बनाऊंगी और चार फंदे यहाँ पे साइड से रखूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पेयर के हिसाब से कितने भी फंदे रख सकते हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं। और फंदे देखिए मैंने सिंगल इससे कपड़े से डाले हैं। यहाँ पे एक फंदा उतारूंगी धागा आगे और देखिए इस तरह से, ये देखिए चार फंदे मैंने ये उल्टे बना लिए। उसके बाद में ये येलो कलर लगाऊंगी। दो फंदे बिना बुने ही छोड़ दिए और इसको यहीं से पलट लिया। अब देखिए एक यहाँ से इस तरह से कली बनके कंप्लीट होगी। ये देखिए तक मैंने इस धागे को इधर करूंगी मैं और इसको ग्रीन को आगे लाऊंगी और ये चार फंदे इधर से भी उल्टे बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा उतार लूंगी तो धागा आगे और ये चार फंदे ग्रीन ही बनूंगी। और देखिए यहाँ पे अब मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी तो देखिए धागा मैं इधर कर दिया मैंने और इसको उल्टा बुनेंगे। इस साइड से ऐसे एक फंदा बढ़ा देंगे, यहाँ पे 40 से एक फंदा बढ़ गया। आप देखिए इसी में मैं लीफ्स की डिजाइन डालूंगी, पत्ती की डिजाइन। तो उसके लिए मैं ये यहाँ पे रेड कलर यूज करूंगी। तो देखिए अभी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 8 फंदे हैं। छह फंदे मैं रेड से बुनूंगी और दो बिना बुने ही छोड़ दूंगी। ये देखिए पहले मैंने ग्रीन छोड़े, अब येलो छोड़ रही हूँ और यहीं से इसको पलट लेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे पत्ती पड़ के तैयार होगी। ये देखिए मैंने बुन लिए। अब देखिए इस धागे को मैं इधर लाऊंगी और इसको इधर कर दूंगी। जाली वाला फंदा भी बड़ा हुआ फंदा भी बुन लिया मैंने। इस धागे को इधर कर देंगे, इसको इधर लाएंगे। ये चार फंदे मुझे उल्टे ही बुनने हैं दोनों साइड से। अब देखिए फिर मैं एक फंदा उतार लूंगी धागा अपने साइड आगे करके। चार फंदे बुन लिए। अब देखिए इस धागे को इधर कर देंगे ऐसे और इसको इधर ले जाएंगे ऐसे और यहाँ से बुनेंगे तो एक फंदा फिर बढ़ गया है। इनको मैं दो मैंने ये इधर को देखिए रेड वाले से इधर को बुन लिए इधर मैं छोड़ दूंगी और इस रो को उल्टी इधर से जो जैसा है उसको मैं वैसा ही। आप देखिए यहाँ से फिर मैं एक फंदा उतारूंगी धागा अपने साइड और ये चार फंदे इस तरह से बुन लूंगी और इधर इसको इधर करूंगी, इसको इधर और यहाँ से एक फंदा फिर बढ़ाऊंगी। ये देखिए अभी तक 3 रो में 3 फंदे बढ़ गए हैं। Thank you.
साइड से घूमेंगे। दो यहाँ पे छोड़ दूंगी, तो देखिए 1 2 3 4 ये देखिए 8 फंदे छूट गए मेरे। और अब मैं देखिए यहाँ पे 2 फंदे और छोड़ूंगी और यहाँ पे 1 फंदा और बढ़ जाएगा, तो ये मतलब इस तरह से 5 फंदे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे आधे फंदे छूट जाएंगे, 20 का बना रही हूँ तो 10 फंदे यहाँ पे छूटेंगे और यहाँ पे 5 बढ़ेंगे। उसके बाद देखो ये देखिए हमारी हाफ कली बन के कम्प्लीट हो गई है। यहाँ से मैंने ये 10 फंदे छोड़ दिए, यहाँ तक मैंने ये 10 फंदे छोड़े हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ तक छूट गए हैं 10 फंदे। और यहाँ पे 5 फंदे 5 रो में बढ़े हैं। अब देखिए यहाँ से मैं इस फंदे को उतार लूँगी, धागा आगे करूँगी और ये 4 फंदे ग्रीन बुन लूँगी। और देखिए इस धागे को मैं इधर कर दूँगी, येलो धागा लूँगी, यहाँ पे मैं 2 का 1 करूँगी। जिस तरह से मैंने बढ़ाए हैं 1 रो में उसी तरह से मैं 2 का 1 कर दिया। अब देखिए अभी कली इधर को आ रही थी, अब अंदर के साइड जाएगी तो ये कम्प्लीट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये बुन लिए मैंने फंदे और 2 रेड में से येलो से बुन लूंगी। आप देखिए यहाँ से ये मैंने यहाँ तक फंदे छोड़े थे, ये 10 फंदे छोड़े थे, अब मैं 2 फंदे छूटे हुए फंदों में से ले लूंगी। ये देखिए ये ले लिए, इसके बाद मैं यहीं से पलट लूंगी। इस रो में जो जैसा है उसको वैसा ही बुनूंगी, इस धागे को इधर कर दूंगी और इसको आगे लाऊंगी पीले वाले को इस तरह से। ये देखिए इसको भी क्रॉस करा के इसको आगे लाएंगे और ये 4 फंदे उल्टे बनेंगे। अब देखिए इसको एक तरफ से उतार लेंगे, धागा आगे करके ये 4 फंदे उल्टे ही बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे धागा कर लेंगे और यहाँ पे फिर 1 2 का 1 कर देंगे। फंदे मैं रेड के येलो से बुन रही हूँ और देखिए बाकी फंदे इसे रेड से बुन। अब देखिए 2 फंदे यहाँ से आगे से और ले लूंगी। ये देखिए इसी तरह से मैं इसमें ये सारे फंदे जो मैंने 5 फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं वो मैं घटा दूंगी और ये 2-2 करके इधर से यहाँ तक। ये देखिए मैंने यहाँ तक ये फंदे बुन लिए हैं, ये मेरे पास सिर्फ 2 फंदे यहाँ पे रह गए हैं। और देखिए अब मेरे पास यहाँ पे ये 20 फंदे बचे हैं, सारे फंदे जितने बढ़ाए थे उतने मैंने घटा दिए हैं। अब मैं 24 का बना रही हूँ तो टोटल हमारे पास 24 फंदे हैं। तो देखिए यहाँ से अब मैं 1 रो इसकी ग्रीन की बुनूंगी सारे फंदे, उसके बाद मैं दूसरी कली स्टार्ट करूँगी। उधर से 1 1 उधर से 2 रो यहाँ पे ग्रीन की बुनेंगे। सारे फंदे देखिए बुन लिए मैंने, इसमें ये 2 फंदे भी बुन लेंगे। अब यहाँ से 1 फंदा मैं उतारूंगी, धागा आगे करूंगी और इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। अब देखिए यहाँ से मैं फिर वही 4 फंदे ये ग्रीन के बुनूंगी, धागा आगे करके फंदा उतार के। ये देखिए 4 फंदे मैंने ग्रीन के बुन लिए। अब मैं यहाँ से ये येलो वाला कलर लगा लूंगी। अब यहाँ से देखिए दूसरी कली स्टार्ट हो रही है।
आगे मैं दो फंदे छोड़ दूंगी इसमें। ये देखिए ये दो फंदे छोड़ दिए और यहीं से इसको पलट लेंगे और इस रो को पूरा उल्टा उतार। आप देखिए यहाँ से मैं फिर एक फंदा उतारूंगी साइड का। ये देखिए धागा भी कर लूंगी और ये चार फंदे उल्टे बुन लूंगी इस तरह से। और देखिए इस धागे को मैं इधर कर दूंगी, इसको इधर ले जाऊंगी। यहाँ से मैं फिर एक फंदा बढ़ाऊंगी इस तरह से। एक बढ़ गया ये यहाँ पे जाली से। अब देखिए ये देखिए अब यहाँ से मैं ये देखिए ये वाली जो कली बनाई है मैंने अंदर, इसको मैं चेंज करूंगी, दूसरे कलर की बनाऊंगी। आप चाहें तो सेम भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक 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 कली दो कलर की बना रही हूँ। ये देखिए अब मैं ब्लू कलर की एक कली बनाऊंगी ये अंदर वाली। अब तो देखिए यहाँ से मैंने आठ फंदे छोड़े हैं, चार पाँच छः। ये देखिए छः फंदे मैंने ये ब्लू पे बुन लिए और दो येलो के यहाँ छोड़ दिए। अब देखिए चार फंदे ये छूट गए। अब इस रो को उल्टा बनाते हुए ये देखिए दूसरी कली की भी स्टार्टिंग हो गई है इसमें। और इसी तरह से मैं इसको पूरे डोरमेट को कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा।